ने रात दबी नहीं होनी चली गया सरस्वती सर सरस्वती लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी तो सबसे पहले लक्ष्मी तो सब बाकी समझ जाते हैं कापिट्स कहाँ अवॉइड करना है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पे सर पहले के टाइम में जैसे एलईडी नहीं था लाइट में पहले ऑरेंज कलर के लाइट आता था हॉल में तो अभी जो एलईडी जो लगाते हैं तो क्या ऑलमोस्ट मतलब जो है शिफ्ट करने का तो हर एक जगह मैं एलईडी यूज कर सकता हूँ कि कहीं कहीं ऑरेंज लाइट जैसा बेसिकली हमको ऑरेंज लाइट तो पहले भी कभी नहीं थी ऑरेंज नहीं वार्म लाइट थी बल्ब की लाइट वार्म लाइट होती थी नहीं ऑरेंज लाइट भी एक होती है थोड़ी वॉर्म के भी थोड़ी सा आगे जाती है थोड़ा ऑरेंजिश दिखते हैं येलोइश दिखती है येलोइश हाँ ज़्यादा मतलब ऑरेंज के थोड़े बहुत नज़दीक नहीं वो तो देखिए अगर आप पर्पली कोई कलर का लाइट लगाना चाहते हैं तो अलग बात है जैसे कोई ग्रीन लगाता है कोई ब्लू लगाता है कोई रेड लगाता है वो तो अलग बात है अगर आप जनरल देखेंगे लाइट ये तो वाइट होती है येलोइश लाइट होती है उसके अलावा तो कोई लाइट होती नहीं एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊँ बेसिकली क्या है कि जैसे लाइट्स में ना जैसे ये वाइट लाइट है या हल्की येलोइश वार्म लाइट है वो तो कभी नुकसान नहीं करती लेकिन इसके अलावा आप जैसे अगर लाइट लगाते हो ब्लू कलर लगाते हो या रेड कलर लगाते हो ग्रीन कलर लगाते हो तो ये सॉरी तब लगवाई जाती है जब हमें इनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है ये हम डायरेक्शन वाइज लगाते हैं अगर कहीं पे हमें लगता है कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है हमें इस लाइट से एनर्जी बढ़ानी है तब हम यहाँ पे लगाते हैं हमेशा एंट्रेंस के पास ही आइडियली एंट्रेंस के पास शोरेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि जूते क्या होता है बाहर की नेगेटिविटी को लेकर के आ रहे होते हैं अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं यहाँ से पता नहीं जमीन में चल के जाते हैं कितनी सारी एनर्जी इसको लेकर के जा रहे हैं वो सारी एनर्जी जो है हमारे घर के दरवाजे पर आके इकट्ठी हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर उसका क्या तरीका है सूर्य इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच वी कैन नॉट अवॉइड तो हमें बंद वाला सूर्य बनाना चाहिए तो सूर्य बनाना चाहिए एंट्रेंस के पास अगर रखना मजबूरी है तो बंद जिसमें शूज दिखाई ना दे ओपन सूर्य कभी मत रखिए और फैले हुए जूते चप्पल घर के बाहर कभी नहीं होते थोड़ा सा ये पॉजिटिविटी हो जाए कि आपको भी घूमते हुए बुरा ना लगे आपको भी अनइजीनेस फील हो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो एक चीज और जो ध्यान देने वाली होती है जो बहुत बड़ा सोर्स होता है नेगेटिविटी का नेगेटिविटी या प्रॉब्लम क्रिएट होता है दैट इज क्लटर कबाड़ भंगार जो कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता क्लटर में खाली यही कूड़ा क्लटर का मतलब ये होता है वो चीजें विच यू आर नॉट यूजिंग सिंस लॉन्ग जो कपड़े जो भी सामान आपका आप यूज ही नहीं कर रहे हो बहुत समय से वो भी क्लटर में आते हैं दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लटर ओनली तो वो भी नहीं होना चाहिए आपकी कोई भी अनयूज चीजें जो आपको यूज ही नहीं करनी है वो आपको हमेशा डिस्पोज कर देनी चाहिए कुछ लोगों में आदत होती है पुरानी पुरानी चीजें इकट्ठी करके रखे रहते हैं निकालते नहीं है वो बहुत बड़ा सोर्स अनहैप्पीनेस का होता है ठीक है घर में पुरानी वाइफ रहती है सर पॉइंट लेकिन मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना वो बच्चों से पूछ रहे हस्बैंड वाइफ को तो चलेगा लेकिन बच्चों को क्या पेरेंट्स नए चलेंगे पुराने चलेंगे उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए वो सही बता सकते कोई बच्चा ये कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे नहीं चाहिए मेरे जो पेरेंट्स हैं बच्चों से नहीं मम्मी चाहिए ये भी और ये पूछ लेना पापा भी चाहिए नहीं पापा नहीं पापा यही सही है मम्मी चिल्लाती है पापा नहीं चाहिए सब प्यार में मम्मी करती है पापा नहीं बच्चों पापा नहीं करते वही तो पापा